नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संकल्पिता और आप देख रहे हैं BookGeeks India, जो कि एक ऐसा चैनल है जहाँ मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको किताबों का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं बुक आपके सामने ला रही हूँ उसका नाम है द गर्ल इन रूम 105। ये है चेतन भगत की लेटेस्ट बुक और ये कल ही रिलीज हुई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मुझे किंडल पे किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है, तो ये किताब को भी मैंने किंडल पे पढ़ा है। इंडियन रीडर्स का चेतन भगत के साथ कुछ लव हेट रिलेशनशिप टाइप का है। चेतन भगत शायद एक अकेले ऐसे इंडियन ऑथर है जिनको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो काफी पॉपुलर है। पर बहुत हो गया ऑथर के बारे में, चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो रिव्यू की। तो चलिए बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी इस किताब से। अगर हम चेतन भगत की किताबों के बारे में बात करें, ये किताब उनकी पहली लिखी गई किताबों से काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। जो स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट है और जो जॉनरा है वो भी काफी हटके है। इसमें रोमांस है थोड़ा सा, ड्रामा है बहुत ज्यादा, और सस्पेंस और थ्रिलर है बहुत बहुत ज्यादा। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। ये कहानी है एक युवक की जिनका नाम है केशव राजगुरु है। ये आईआईटी दिल्ली के पास आउट तो है पर इनको अभी तक ढंग की नौकरी नहीं मिली है, पर कमाई तो करनी ही है, तो इसीलिए ये एक जेईई कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। बहुत ही रिफाइंड शब्दों में कहेंगे तो एक फैकल्टी मेंबर है एक टेस्ट फैसिलिटी पे, और अगर बहुत ही नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो ये एक्चुअली एक ट्यूशन टीचर है। 4 साल पहले केशव का ब्रेकअप हो गया था, उनकी गर्लफ्रेंड जारा उनको छोड़ के चली गई थी। जारा जो कि कश्मीरी मुस्लिम है, आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्कॉलर है, इन दोनों में बहुत ही प्यार था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए, कुछ परेशानियां ऐसी आई, सिचुएशंस ऐसी आई कि ये लोग अलग हो गए, जारा ने केशव को छोड़ दिया। बट इन 4 सालों के बावजूद केशव जारा को भुला नहीं पाया है, वो अभी तक उसकी याद में तड़पता रहता है, उसे वापस मिलना चाहता है, वापस पैचअप करना चाहता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए केशव जो है वो दारू का सहारा लेता है, वो काफी ड्रिंकिंग करता है, बिंज ड्रिंकिंग करता है, और ऐसे ही एक ड्रिंकिंग सेशन के बीच में उसको मैसेज आता है जारा का। इसे कोइंसिडेंस कहिए या कुछ और, जारा अपने बर्थडे के दिन उसे कॉन्टैक्ट करती है, व्हाट्सएप मैसेज करती है और उसको बुलाती है उसे हॉस्टल में जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। केशव जो कि ऑलरेडी काफी ड्रंक है डिसाइड करता है कि वो वहां जाएगा, और इसीलिए आधी रात को 3 बजे वो आईआईटी दिल्ली के कैंपस में एंट्री लेता है। वो सीधा जाता है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ और वहां पे लगे एक मैंगो ट्री यानी कि आम के पेड़ पर चढ़ता है, जो कि उसको एंट्री दिलाएगा जारा के रूम नंबर 105 में। पर हालांकि केशव ने काफी सारी गलतियां करी हैं, ये एक गलती उसको सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी। उसकी रूम नंबर 105 में एंट्री लेना शायद एक ऐसी मिस्टेक रहेगी जो उसको जिंदगी भर भारी पड़ेगी। तो ऐसा क्या है रूम नंबर 105 में, केशव अपने आप को किस चक्रव्यूह में पाता है और क्या होता है उसकी लाइफ का, ये सब जानने के लिए आपको खुद ही बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं प्लॉट के बारे में आपको बोलूं तो मुझे लगा ये प्लॉट काफी ही दिलचस्प है, काफी कॉम्प्लेक्स है। एक अच्छा और सॉलिड मेन प्लॉट होने के साथ साथ इसमें काफी सारे सब प्लॉट्स भी हैं जो रीडर्स को एंटरटेन रखते हैं। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो जब आप एक बुक पढ़ते हैं उसमें लिखे गए कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं तब आप एक विजुअल इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप इस विजुअल इमेज को क्रिएट कर पाते हैं अपने दिमाग में, उस कैरेक्टर को पूरा पिक्चराइज कर पाते हैं, तो आई थिंक एक राइटर का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। कि इसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो काफी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, और आप में वो फीलिंग्स जगाते हैं जो एक्चुअली एक अच्छे कैरेक्टर को, एक अच्छे डेवलप्ड कैरेक्टर को जगानी चाहिए। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको स्टीरियोटाइपिकल लगेंगे, बट आई थिंक ओवरऑल ये काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की तरफ। इस बुक ने मुझे थोड़े रिलेशनशिप गोल्स भी दिए, जो केशव का प्यार है जारा के प्रति और जो सौरभ की दोस्ती है केशव के प्रति। ये दोनों रिलेशनशिप इतने प्यारे, इतने सेल्फलेस और इतने ब्यूटीफुल है कि इनके बारे में पढ़कर आपको खुद थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है कि क्यों नहीं मेरे पास ऐसा प्यार या मेरे पास ऐसी दोस्ती हो। तो एक चीज जो चेतन भगत हमेशा गड़बड़ करते हैं वो इनकी राइटिंग। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश रीडर हैं, आप काफी किताबें पढ़ते हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं एक साल में, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो राइटिंग है वो काफी एमेच्योर है, स्किल नहीं है उसमें, और काफी ज्यादा हद तक बचकानी है। तो एक एक्सपीरियंस रीडर को इनकी राइटिंग कतई पसंद नहीं आएगी। एक और चीज जो मुझे इस किताब में बिल्कुल नहीं पसंद आई वो है बहुत सारे स्वेयर वर्ड्स और कस वर्ड्स।
चेतन भगत ने इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है, काफी ज्यादा गालियों का इस्तेमाल किया है। स्पेशली जब मैं इस बुक को पढ़ी थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एक ऐसे ऑथर से जिनका इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना नाम है। एक अच्छी चीज ये है कि इस बुक में सेक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसको स्पाइसी बनाने के लिए या और मसालेदार बनाने के लिए। बहुत ऑथर्स आजकल ये कर रहे हैं, सेक्स सीन्स को इतना बेशर्मी से डाल देते हैं नैरेटिव में, जबकि वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, ताकि उनकी बुक ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बना सके। बट थैंक गॉड चेतन भगत ने इस चीज से तो अपने आप को दूर रखा है। एक अच्छी चीज के बारे में बात करूं तो कुछ मॉरल लेसन्स है, कुछ सोशल लेसन्स है जो इस बुक से हमें सीखने को मिलते हैं। इसमें काफी हद तक वो चीजों के बारे में मेंशन किया गया है या उन चीजों के बारे में बताया गया है जो आजकल की सोसाइटी में देखने को मिलती है, काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से जब ये स्टीरियोटाइप्स मेंशन करते हैं उनको तोड़ते भी हैं, तो अगर आप डीपर मीनिंग में जाए एंड इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस आपको पता चलेगा कि इसमें काफी सारे सोशल इश्यूज के बारे में भी बताया गया है और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उनको डिस्कस किया गया है। एक और चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है ये अनलव स्टोरी। अब जब आप इस बुक को उठाते हैं उसका ब्लर्ब पढ़ते हैं तो इसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक लव स्टोरी नहीं एक अनलव स्टोरी है। अब ये अनलव स्टोरी क्या है मुझे तो समझ में नहीं आई। पूरी किताब खत्म करने के बाद भी मुझे ये नहीं पता चला कि ये अनलव स्टोरी है क्या। फाइनली लास्ट वीक मैंने यही कंक्लूड किया कि शायद ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, एक बजवर्ड है जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस बुक को सेंसेशनलाइज करने के लिए किया गया है। आते हैं क्लाइमैक्स पे। अगर मैं क्लाइमैक्स के बारे में बात करूं तो मैं ऑब्वियसली आपको बताना नहीं चाहूंगी कि एंड में होता क्या है, पर ये कहना सेफ होगा कि क्लाइमैक्स एक्चुअली बहुत ही अच्छा था। इतना प्रेडिक्टेबल नहीं था पर इतना अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं था। काफी ज्यादा चक्कर खाने के बाद, काफी घूमने के बाद ही मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि शायद ये एंड होगा। तो हाँ, यही कहना चाहूंगी कि क्लाइमैक्स अच्छा था। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करी है कि इस रिव्यू में मैं आपके साथ कुछ भी स्पॉयलर्स शेयर नहीं करूं। जितना कि ब्लर्ब में लिखा गया है मैंने खाली उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है, उसके अलावा कुछ नहीं बताया है। तो अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछे तो ये बुक एक इजी रीड है, एक एंटरटेनिंग रीड है, आपको मजा जरूर आएगा। जब मैं इस बुक को पढ़ने बैठी तो मैं इस बुक को छोड़ नहीं पाई जब तक कि मैं एंड तक नहीं पहुंच गई। तो खाली अगर उस चीज को ध्यान में रखें तो यस, ये बुक बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो अगर आप चेतन भगत के फैन हैं, आपको इजी और लाइट रीड पसंद है, आपको एंटरटेनिंग रीड पसंद है, आपको टिपिकल बॉलीवुड मसाला रीड पसंद है, तो यस, इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़िएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मिस्ट्री और सस्पेंस की तरफ ज्यादा लीन करती है दैन रोमांस की तरफ। ड्रामा भी इसमें काफी अच्छे डोजेस में आपको मिलेगा। पहला, अगर आपको चेतन भगत नहीं पसंद है। दूसरा, अगर आपको गाली गलौज एक नॉवल में नहीं पसंद है। तीसरा, अगर आपको क्लमजी राइटिंग या थोड़ी बहुत एमेच्योरिश राइटिंग एकदम नहीं पसंद है। चौथा, अगर आपको ऐसी बुक्स नहीं पसंद है जो कि काफी ज्यादा फिल्मी है और जिसमें बहुत ज्यादा ड्रामा है। तो दोस्तों, ये था मेरा बुक रिव्यू चेतन भगत की लेटेस्ट नॉवल द गर्ल इन रूम 105 का। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्द ही वापस आऊंगी एक और वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए नमस्कार।